डी फार्मा स्टूडेंट के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या होने वाली है जानेंगे इस वीडियो में। बैक माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका टॉक विद एमके में। आज की बड़ी अपडेट क्या होने वाली है, जो जब से डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्जाम आया है तब से जो है डी फार्मा स्टूडेंट के लिए बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं। तो जो करंट में हमारे जो है पीसीआई के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है और ये आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट के लिए कुछ बड़ा अपडेट ला सकता है। उन्होंने क्या ट्वीट करा है, ट्वीट को हम पढ़ लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट में AIOCD, बिल शॉर्टली इंट्रोड्यूस ए प्रोग्राम ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग PPT, फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फ्यूचर में जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि डिप्लोमा करने के बाद में हमें 500 घंटे की यानी नहीं कि वैसे ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है इन हॉस्पिटल में, तो अब ये क्या चीज़ है 500 घंटे की, हमें तो वैसे ही करनी पड़ती है ट्रेनिंग। तो मैं बता दूं आपको, इन्होंने एक ट्वीट किया है क्योंकि डिप्लोमा में क्या है, फार्मेसी में क्या है, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा मेन और बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस जितनी आपको ज़्यादा नॉलेज हॉस्पिटल की होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी ज़्यादा हो जो है इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, पहले क्या थी आपकी 500 घंटे यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती थी, यानी कि आपने जो है डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद आपको 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना है, एग्जिट एग्ज़ाम देना है और एग्जिट एग्ज़ाम के बाद ही आप PCI में जो है एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब ये क्या ट्वीट का क्या मतलब है कि इन्होंने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो देखो अभी इन्होंने एक ट्वीट किया है, ऐसी PCI के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, सिंपली जो PCI के जो है प्रेसिडेंट हैं उन्होंने केवल सिंपल एक ट्वीट किया है। ट्वीट में ये इन्होंने मेंशन किया है कि फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है, वहाँ पर ये आने वाले टाइम में ला सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए घबराए ना, केवल ओनली एक ट्वीट है। वो ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड मोर अपडेट हम आपको देते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना। थैंक यू गाइज।